नमस्कार मित्रों, स्टडी विद केके में आपका स्वागत है। आज हुए अर्थशास्त्र का पेपर का हल आपके समक्ष प्रस्तुत है। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, पहले का आंसर होगा पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरे का होगा दूसरा, तीसरे का होगा तीसरा आंसर, चौथे का होगा दूसरा आंसर, पाँचवें का होगा चौथा, छठवें का दूसरा और सातवें का होगा तीसरा। उसके बाद आठवें क्वेश्चन का आंसर होगा तीसरा, नौवें का होगा पहला और दसवें का होगा पहला। उसके बाद बेस्ट अर्थशास्त्र क्या है, तो इसमें आर्थिक मुद्दों का अध्ययन एक व्यक्तिगत इकाई के रूप में होता है। मांग का नियम, जो सब लोग आप लोग जानते हैं कि मांग, मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है और मूल्य कम होने पर मांग बढ़ती है। निजी वस्तु, स्वयं के उपभोग के लिए जो वस्तु उत्पादित की जाती है उसे कहते हैं निजी वस्तु। एकाधिकार, एकाधिकार में एक वस्तु का एक उत्पादक होता है। सीमांत लागत, तो उत्पादन में किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के द्वारा लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंध का है, तो भारतीय बैंक सीधे पैसे जमा नहीं करता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, आय में वृद्धि से उपभोग में जो वृद्धि होती है या परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपभोग, उसके अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है वस्तु विभेद, क्रेता विक्रेता की संख्या का कम होना और बाजार का अपूर्ण ज्ञान। अगर मेरे चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद मित्रों।